नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अनमोल स्टडी ऑनलाइन। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। साथियों, आज हम आपके बीच लेकर आए हैं एनसीईआरटी क्लासिक्स ज्योग्राफी से सौर मंडल। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सौर मंडल से टॉप 50 क्वेश्चंस रहेंगे जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं। तो साथियों, आज का वीडियो आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही रोचक होने वाला है। तो दोस्तों, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें और यहाँ पे जो भी 50 क्वेश्चंस आपको नज़र आएंगे, उन सारे सवालों के जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, बिना देर किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल देख लेते हैं। पूर्ण चंद्र एक महीने में कितनी बार देखा जा सकता है? दोस्तों, पूर्ण चंद्र मतलब पूरा चांद। तो दोस्तों, पूरा चांद महीने में एक ही बार देखा जाता है, वो है पूर्णिमा के दिन। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर एक। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन खगोलीय पिंड है? ग तारे, ख ग्रह, ग सूर्य, घ सभी हैं। दोस्तों, जितने भी आकाशीय पिंड हैं, सूर्य, चंद्र, तारे, उसके साथ साथ पृथ्वी जो है वो भी खगोलीय पिंड का एक हिस्सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा होगा घ नंबर। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? घ नंबर। आगे बढ़ते हैं। सप्तऋषि कितने तारों का समूह है? दोस्तों, सप्तऋषि कितने तारों का समूह है? क पाँच, ख छः, ग सात और आठ। दोस्तों, सप्त ऋषि, यहाँ पे सप्त जो है, सप्त का मतलब होता है सात। तो यहाँ पे सबसे जो है हमारा देखते हैं सात कहाँ पे? ग नंबर में है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका हो जाएगा ग नंबर, ऑप्शन नंबर ग होगा। सप्त ऋषि जो है सात तारों का समूह है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चार। हमें रात्रि में ध्रुव तारा से किस दिशा का ज्ञान होता है? क उत्तर, ख दक्षिण, ग पश्चिम और घ पूरब। अब इन चारों में से देखते हैं। तो दोस्तों, ध्रुव तारा से हमें उत्तर दिशा का ज्ञान होता है, ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन एक ग्रह नहीं है? ग्रह कौन सा नहीं है? पृथ्वी, मंगल, चंद्रमा, बुध। दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं, पृथ्वी ग्रह है, मंगल भी ग्रह है, बुध भी ग्रह है, लेकिन चंद्रमा जो है ये ग्रह नहीं है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग, इसका सही जवाब होगा कि यह ग्रह नहीं है, ये क्या है? ये उपग्रह है। और किसका उपग्रह है? पृथ्वी का। तो दोस्तों, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सौर मंडल का सदस्य नहीं है? क सूर्य, ख आठ ग्रह, ग क्षुद्र ग्रह, घ प्लूटो। दोस्तों, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सौर मंडल का सदस्य सूर्य है, आठ गो ग्रह है, क्षुद्र ग्रह भी है, बट प्लूटो यहाँ पे इसका सदस्य नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा घ। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सात है। सौर परिवार का मुखिया कौन है? क सूर्य, ख चंद्रमा, ग पृथ्वी, घ नक्षत्र। तो दोस्तों, सौर परिवार का जो मुखिया है वो कौन है? सूर्य है। दोस्तों, सौर परिवार का मुखिया जो है वो सूर्य है। आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा सदस्य कौन है? क बृहस्पति, ख शुक्र, ग सूर्य और घ पृथ्वी। दोस्तों, आपको बताना है सौर मंडल का सबसे बड़ा सदस्य कौन है। दोस्तों, सौर मंडल का जो सबसे बड़ा सदस्य है वो होगा सूर्य होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ग। दोस्तों, एक बात ध्यान देने की बात है, बृहस्पति जो है वो सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है, बट सबसे बड़ा सदस्य नहीं है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा जो सदस्य होगा वो होगा हमारा सूर्य, न कि बृहस्पति। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नौ की ओर। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना ज़्यादा है? सूर्य का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास से कितना गुना ज़्यादा है? क 105 गुना, ख 107 गुना, ग 109 गुना, घ 100 गुना। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, कौन सा सही जवाब होगा।
सूर्य का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास से 109 गुना ज़्यादा है। कितना गुना ज़्यादा है? 109 गुना। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सूर्य पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों। सूर्य जो है पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? क 15 करोड़ किलोमीटर, ख 14, ग 18, ग 12। तो इसमें सही जवाब क्या होगा दोस्तों? सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर है। ये बहुत ही आसान सवाल था यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग वायुमंडल को गर्म करने के काम में आता है? वायुमंडल को गर्म करने में सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग काम आता है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं, 43, 45, 48, 50। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 48%, मतलब कि ग नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, ऊर्जा का सबसे शक्तिशाली भंडार कौन है? ऊर्जा का सबसे शक्तिशाली भंडार कौन है? क पवन, ख सूर्य, ग जल विद्युत, ग इनमें से सभी। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, ऊर्जा का सबसे शक्तिशाली जो भंडार होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ख, सूर्य। सूर्य यहाँ पे हो जाएगा सबसे शक्तिशाली भंडार ऊर्जा का। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? बहुत ही ईजी है। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? क 9, ख 6, ग 7 और घ 8। तो देखने से ही पता चलता है इसका ऑप्शन घ होगा सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम बताना है आपको। यहाँ पे 4 है, क में है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, बृहस्पति, यूरेनस एवं नेपच्यून। ख बुध, शुक्र, पृथ्वी, शनि, मंगल, बृहस्पति, यूरेनस एवं नेपच्यून। ग बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एवं नेपच्यून और घ इनमें से कोई नहीं। तो कन्फ्यूजन करने वाला ये सवाल है दोस्तों। अगर आप सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम अगर आपको पता है तो आप सही जवाब दे पाइएगा, वरना इसमें आपको प्रॉब्लम आ सकता है। तो मैं आपको बता देता हूँ सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम का एक ट्रिक, और उस ट्रिक के आधार पे हम आपको अभी तुरंत बता दूंगा कि इसमें से कौन सा सही जवाब होगा, आप खुद देख पाएंगे। तो देखते हैं इसका ट्रिक। सूर्य से दूरी के अनुसार दोस्तों ट्रिक है एम भीम जे सन। यहां पे मतलब देखते हैं दोस्तों, एम मरकरी, बुध एक नंबर में है, उसके बाद है भी वेनस, शुक्र, अर्थ ई मतलब अर्थ पृथ्वी, एम मार्स, मंगल, जे जुपिटर, बृहस्पति, से एस से सैटर्न, शनि, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून। तो वो हम देख लेते हैं इसमें कहाँ पे है मेरा, इसके आधार पे मेरा कहाँ पे हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो पहले बुध होना चाहिए, तो बुध है, उसके बाद शुक्र है, पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल होना चाहिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे मिल रहा है हमारे दोस्तों, देख लेते हैं। बुध, ये देखिए आपका बुध है, एक बार फिर से लिख देता हूं, मिट गया। तो यहां पे होगा एम भीम जे सन। अब यहां पे हम देख रहे हैं, पहला जो है वो मेरा एम है मतलब कि बुध, फिर भी है मतलब शुक्र, फिर ये है पृथ्वी, एम मंगल, जे बृहस्पति, एस शनि, यू यूरेनस, एन नेपच्यून। तो दूरी के अनुसार जो ग्रहों का सही क्रम हमारे पास, इसका सही जवाब आ चुका है ऑप्शन नंबर ग, इसका सही जवाब होगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। 15, आकार के अनुसार ग्रहों का सबसे बड़े से छोटे का सही क्रम। देखिए फिर से एक तो आ गया कन्फ्यूजन वाला सवाल। आकार के अनुसार जो है ग्रहों का सबसे बड़े से छोटे का सही क्रम, मतलब बड़े ग्रहों से छोटे ग्रहों की ओर हमको चलना है तो उसका सही क्रम बताना है। देख लेते हैं ऑप्शन, क बृहस्पति, ख शनि, ग यूरेनस,
बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। ख में है बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, शुक्र, पृथ्वी, मंगल एवं बुध। और ग, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, शुक्र, पृथ्वी, बुध एवं मंगल। ग इनमें से कोई नहीं। अब हमको यहाँ पे उसी तरह से हम आपको बता देता हूँ कि इसका सही क्रम क्या होगा आकार के अनुसार बड़ों से छोटे की ओर। तो इसका होगा जे सन ई भी एम एम ई भी एम एम। एक करके समझता हूं, जे मीन्स जुपिटर, बृहस्पति हुआ तो बृहस्पति देखते हैं कहां पे, पहला नंबर बृहस्पति तीनों में है। आगे है शनि, शनि दोनों में, तीनों में शनि है दूसरा नंबर में। तीसरा यूरेनस, यानी यूरेनस तीनों में है। फिर नेपच्यून, नेपच्यून हमारा तीनों में है। और ये तो बड़े कन्फ्यूजन है। आगे देखते हैं पृथ्वी, पृथ्वी मेरा है ऑप्शन नंबर एक में आ रहा है, इसके बाद पृथ्वी आ रहा है, पृथ्वी शुक्र आ रहा है यहाँ पे देखते हैं। और फिर मार्स, मंगल और फिर मरकरी, बुध आ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा एक नंबर का सही हो जाएगा, इसका 15 का क। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अगर वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो जल्दी लाइक कर दें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। आंतरिक ग्रह हैं क बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं बृहस्पति। ख बृहस्पति, शनि, यूरेनस एवं नेपच्यून। ग बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल। और घ बृहस्पति, शनि, शुक्र एवं यूरेनस। तो इसका अभी हमने बताया कि आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह, ये दोनों का फॉर्मूला अभी हम लिख देता हूँ, उसी तरह से आपको तुरंत समझ में आएगा। तो देखता हूँ दोस्तों, दूरी के अनुसार हमने क्या लिखा था, दूरी के अनुसार लिखा था एम भेम जे सन, मैंने ये लिखा था। तो यहाँ पे दोस्तों आंतरिक ग्रह ये जो चार ठो हैं, 1 2 3 4, ये आंतरिक ग्रह कहलाएंगे। 1 2 3 4 ये जो चारों हैं ये होगा बाह्य ग्रह, और ये जो चारों हैं ये होगा आंतरिक ग्रह। तो हमारा आंतरिक ग्रह यहाँ देख लेते हैं, पहला बुध है, फिर है शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो कहाँ पे है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब होगा दोस्तों। तो दोस्तों कितना आसान हो जाता है ना, अगर हम ये जान जाते हैं ये जो फॉर्मूला, ये ट्रिक मैं जो बता रहा हूँ एम भेम जेसन, अगर ये हम लिख करके अगर हम देखता हूँ एग्जाम में, तो मैं मुझे मतलब कि आप लोगों को तुरंत आंसर इसका मिल जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं उसी तरह से, हम देखते हैं बाह्य ग्रह कौन कौन है, तो कटिंग करना होगा। आगे देखते हैं बाह्य ग्रह, तो बाह्य ग्रह भी हमने देखा दोस्तों क्या था, उधर जे सन था, सबसे लास्ट में क्या था जे सन ये वाला था, है ना। तो जैसे जुपिटर, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये बाह्य ग्रह होगा। तो जुपी बृहस्पति कहाँ पे हमारा है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये हमारा बृहस्पति ये हो गया, शनि हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब होगा, ये बाह्य ग्रह कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं इसी तरह क्वेश्चन नंबर 18, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन है, क बुध, ख शुक्र, ग पृथ्वी, घ मंगल। दोस्तों सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह है वो है हमारा बुध, बुध है सभी जानते होंगे आप लोग। अगला सवाल, बुध शुक्र को, बुध ग्रह को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बुध ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, ये आपको बताना है। क 54 दिन, ख 27 दिन, ग 88 दिन, घ 365 दिन। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर मेरा ग है 88 दिन, ये इसका सही जवाब होगा। बुध ग्रह को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 88 दिन लग जाता है, कितना दिन लग जाता है दोस्तों 88 दिन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लाल ग्रह, ये देखिए लाल ग्रह किसको कहते हैं, क शनि, ख मंगल, ग शुक्र और घ बुध। तो दोस्तों मार्स जो है, मार्स एम ए आर एस, मार्स, मार्स उसको मंगल बोलते हैं, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है दोस्तों, ठीक है।
तो मंगल ग्रह मेरा कहां पे है देखते हैं, मंगल ग्रह मेरा है ऑप्शन नंबर ख, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह शुक्र, पृथ्वी, शनि, बृहस्पति। यहां पे हम देख पा रहे हैं शुक्र, पृथ्वी, शनि, बृहस्पति। तो सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह वो होगा मेरा बृहस्पति होगा, ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 22, सूर्य से दूरी के अनुसार पांचवा ग्रह कौन है। ये देखिए दूरी के अनुसार पूछ दिया ना, अभी मैंने क्या बताया था दूरी के अनुसार, क्या बताया था फॉर्मूला उस ट्रिक के आधार पे अभी आपको हम समझाते हैं। दूरी के अनुसार हमने बताया था एम भीम जे सन, एम भीम जे सन। तो हम देखते हैं पांचवा नंबर में कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पांचवा में कौन है, जे, जे मीन्स जुपिटर, जुपिटर को हिंदी में बृहस्पति बोलते हैं। तो कितना आसान हो गया है ना, तो इस ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 23, बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं, 62, 65, 67 और 61। दोस्तों बृहस्पति जो है ये सबसे ज्यादा उपग्रह बृहस्पति का ही है, पहले था शनि का, मगर अभी जो है नए शोध के अनुसार पता चला है कि बृहस्पति के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। तो इसके कितने उपग्रह हैं, तो इसके उपग्रह जो हो जाएंगे 67 हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ग। आगे बढ़ते हैं, सौर मंडल का सबसे सुंदर ग्रह कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। साथियों आज जितने भी सारे सवाल मैं इस वीडियो में डाला हूं वो सारे के सारे टॉप क्वेश्चंस हैं, टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, और ये सारे क्वेश्चंस बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कोई भी प्रतियोगिता एग्जाम हो उसमें ये पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही रोचक आपके लिए है, तो पूरा वीडियो देखें बीच में ना छोड़ें। तो आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं सौर मंडल का सबसे सुंदर ग्रह कौन है, क पृथ्वी, ख मंगल, ग शनि, घ शुक्र, कौन सा होगा सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह जो होगा। देखिए यहाँ पे एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ, सुंदर, स, स से सुंदर, स से शनि, ये याद रखना आपको है ना। तो सबसे सुंदर ग्रह कौन हो जाएगा, शनि। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25, सौरमंडल में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है। ये देखिए आ गया दूरी के अनुसार, आकार के अनुसार यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा ग्रह दूसरा नंबर में। तो अभी हम आकार में क्या पढ़ाए थे, अभी हम बताए थे जे सन, ये हमने बताया था दूरी, सॉरी आकार के अनुसार बताया था। तो दूसरा नंबर में देख लेते हैं, दूसरा नंबर में सन है, सॉरी एस है, और एस मीन सैटर्न, सैटर्न का मतलब शनि। तो यहाँ पे शनि कहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन नंबर ग मेरा इसका सही जवाब होगा। कितना आसान है ना। आगे बढ़ते इसी तरह से शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं, शनि के कितने उपग्रह हैं, 62, 65, 58, 67। शनि ग्रह के कितने उपग्रह आपको ये बताना है। तो शनि ग्रह के जो उपग्रह हैं वो हैं 62 यानी कि 62। आगे बढ़ते हैं यूरेनस ग्रह की खोज किसने की, यूरेनस, दोस्तों यूरेनस ग्रह की खोज किसने की, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद आप लोगों को पता होगा तो आप जवाब दे सकते हैं। क विलियम हर्सल, ख गैलीलियो गैलीली, ग न्यूटन, घ कोपरनिकस। साथियों ये थोड़ा सा टिपिकल सवाल आपको लग रहा होगा, बट मैं इसका बहुत ही आसानी से समझा देता हूँ। यूरेनस ग्रह की जो खोज है, यूरेनस ग्रह की जो खोज है विलियम हर्सल ने किया था। किसने किया था, विलियम हर्सल ने। आगे बढ़ते हैं 28, आकार की दृष्टि से पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन है। ये देखिए आ गया आकार की दृष्टि वाला आ गया, तो अभी हम लिख लेते हैं फिर एक बार, तब समझाता हूँ जे सन, जे सन और ईवीएम था, ये नहीं था ई भी एम, एक तो और एम बगल में था है ना, तो जे सन ई वी एम। तो यहाँ पे हम देखते हैं बृहस्पति एक नंबर में, दो नंबर में से ये हमारा एक है, दो शनि, तीसरा यूरेनस, चौथा नेपच्यून, पांचवा अर्थ मतलब पृथ्वी। तो पृथ्वी यहाँ पे कितना नंबर में देख लेता हूँ, पृथ्वी ग है यानी कि ग नंबर में पृथ्वी है। आकार की दृष्टि से पांचवा सबसे बड़ा जो ग्रह होगा वो होगा पृथ्वी, है ना दोस्तों। बहुत ही शानदार ट्रिक, बहुत ही इजी मैं आपको कर दे रहा हूँ, आसानी होगा याद करने में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29, पृथ्वी का आकार किस तरह है। दोस्तों पृथ्वी का आकार किस तरह है, क गोलाकार, ख संतरे की तरह, ग भूभाव, घ सेब की आकार। तो दोस्तों पृथ्वी का आकार जो है वो भूभाव है। आगे बढ़ते हैं
तीस नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, छठा क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? क शनि, ख पृथ्वी, ग मंगल, घ शुक्र। तो दोस्तों यहाँ पे नीला ग्रह जो है वो पृथ्वी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये मैं बता देता हूँ। दोस्तों पृथ्वी में 3/4 मतलब 3/4 जल है, 1/4 स्थल है। तो अंतरिक्ष यात्रियों ने जब अंतरिक्ष से देखा पृथ्वी को तो वो नीला दिखाई दिया, तभी से पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाने लगा, क्योंकि यहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा है तो नीला तो दिखाई देगा ना अंतरिक्ष से, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा गया, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये एग्जाम्स में लगातार पूछते हैं, पूछा जाता है ये कि मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है। तो मॉर्निंग स्टार किसको कहते हैं दोस्तों, एक बात मैं बता देता हूँ, सुबह सुबह मैं जब बचपन में सुबह सुबह उठता था तो पूर्व दिशा की ओर कभी कभी बहुत तेज चमकने वाला एक तो तारा होता था, तो मेरे बाबूजी बताए थे कि देखो बेटा ये जो तेज पूरा रोशनी वाला जो तारा है ये तारा नहीं बल्कि ये शुक्र ग्रह है और इसको मॉर्निंग स्टार कहते हैं। कभी कभी दोस्तों देखता हूँ कि शाम के समय में भी दिखाई देता है, इसलिए इसको इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। और सुबह का तारा और भोर का क्या बोलते हैं शाम का तारा, इसे कहा जाता है हिंदी में। तो मॉर्निंग स्टार जो है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर का शुक्र। आगे बढ़ते हैं, शनि ग्रह की खोज किसने की? विलियम हर्सल, गैलीलियो गैलीली, ग न्यूटन, घ कोपरनिकस। साथियों शनि ग्रह जो है इसकी खोज किया था गैलीलियो गैलीली ने। ठीक है, गैलीलियो गैलीली ने शनि ग्रह की खोज किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? क 383,400, ख 384,000, ग 387,400, घ 384,400। अब ये चारों में आपको बताना है सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों चंद्रमा जो है वो पृथ्वी से हमारा 384,400 किलोमीटर है। कितना है? 384,400 हम ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में चंद्रमा को कितना समय लगता है? दोस्तों 27 दिन, 42 दिन, 365 दिन, घ 88 दिन। तो इसका सही जवाब होगा, पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में चंद्रमा को मात्र और मात्र 27 दिन का समय लगता है, क्योंकि चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है और ज़्यादा दूरी पे है नहीं। कितना दूरी पे है ये सवाल आगे मैं बताऊँगा। आगे क्वेश्चन नंबर 35, ग्रहण कितने प्रकार का होता है? ग्रहण कितने प्रकार का होता है बच्चों, हमारे दोस्तों, हमारे विद्यार्थियों, जो भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें, साथ ही अपने साथियों में शेयर कर दें। तो ग्रहण कितने प्रकार का होता है? ग्रहण जो है वो कितने प्रकार का होता है? क 2, ख 3, घ 4 और घ 6। दोस्तों 3, 4, 6 ये तो होगा ही नहीं। तो दोस्तों ग्रहण जो है वो 2 प्रकार का होता है। ग्रहण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन, आइए देखते हैं। पहला जो है वो है चंद्र ग्रहण, पहला जो है वो होगा चंद्र ग्रहण। दूसरा होगा सूर्य ग्रहण, दूसरा क्या होगा? सूर्य ग्रहण। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, चंद्र ग्रहण किस दिन में होता है? किस दिन होता है चंद्र ग्रहण? क अमावस्या, ख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, ग पूर्णिमा, घ कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि। दोस्तों चंद्र ग्रहण जो है वो पहली बात अमावस्या को हो ही नहीं सकता है, शुक्ल पक्ष ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो किस में होगा? ऑप्शन नंबर ग में होगा, पूर्णिमा के दिन में। क्योंकि दोस्तों अमावस्या जो है, ये जो अमावस्या है इसमें तो चंद्र दिखाई नहीं देता है, तो ग्रहण कहाँ से होगा है ना, तो इसलिए ये तो होगा नहीं। दूसरी बात, शुक्ल पक्ष पंचमी, पंचमी और ये जो कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष इसमें नहीं होगा, पक्का है इसमें ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब होगा, पूर्णिमा के दिन। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश की गति कितनी है? क्वेश्चन नंबर 37, 3.5 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर, 2.5 लाख किलोमीटर, घ 4 लाख किलोमीटर। तो प्रकाश की जो गति है वो है 3 लाख किलोमीटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 3 लाख किलोमीटर प्रकाश की गति। आगे बढ़ते हैं, 38, सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में कितना समय लगता है? सूर्य से जो है पृथ्वी पर प्रकाश जो आता है वो कितना समय में आता है? क 8 सेकेंड, 8 मिनट, 8 घंटा, 10 मिनट, कौन सा सही जवाब होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 8 मिनट, 8 मिनट लगभग 4 सेकंड लगता है, बट इसे 8 मिनट ही बोलते हैं, है
है ना, लगभग 8 मिनट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं 39। सौर मंडल का कौन सा ग्रह अनोखा ग्रह कहलाता है? क पृथ्वी, ख शनि, ग मंगल और शुक्र। तो इसका सही जवाब होगा पृथ्वी। पृथ्वी को अनोखा ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आइए हम समझते हैं। पृथ्वी जो है एक ऐसा मात्र उपग्रह है जहाँ पे वायु, जल और जो भी इसका जीवन की जो अनुकूल दशाएं हैं, स्थितियां हैं, वो यहीं पे हैं। बाकी किसी ग्रह में ऐसा आपको नहीं मिलेगा। इसलिए पृथ्वी को अनोखा ग्रह कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। चंद्रमा से पृथ्वी पर परावर्तित प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? दोस्तों अभी हमने देखा सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है, 8 मिनट लगता है। और यहाँ पे हमको देखना है कि चंद्रमा से पृथ्वी पर जो प्रकाश आता है, परावर्तित प्रकाश, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है दोस्तों, चंद्रमा का जो है वो चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है और उससे परावर्तित होकर के पृथ्वी पर आता है, इसलिए चंद्रमा जो है सो चमकता हुआ नजर आता है। बट चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, है ना, क्योंकि वो उपग्रह है। तो चंद्रमा का जो प्रकाश, परावर्तित प्रकाश है, वो पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है ये आपको बताना है। 1.2 सेकेंड, 1.3 सेकेंड, 2.1 सेकेंड, 3.1 सेकेंड आपको बताना है। इसमें से सही जवाब कौन सा होगा दोस्तों? यह सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 1.3 सेकेंड मात्र। आगे बढ़ते हैं। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह जो है किन दो ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? क मंगल एवं बृहस्पति, ख बृहस्पति एवं शनि, ग शुक्र एवं पृथ्वी, घ पृथ्वी एवं मंगल। तो इसमें से कौन सा होगा दोस्तों? क्षुद्र ग्रह जो है वो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। इसका सही जवाब होगा क। आगे बढ़ते हैं। क्षुद्र ग्रह की पट्टी में, क्षुद्र ग्रह की पट्टी में पाया जाने वाला बौने ग्रह का क्या नाम है दोस्तों? बौने ग्रह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्षुद्र ग्रह की पट्टी में बौने ग्रह का क्या नाम है? तो यहाँ पे ऑप्शन है प्लूटो, सीरीस, गैनेमी, टाइटन। आपको बताना है कौन सा सही जवाब होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू माई डियर फ्रेंड। तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा दोस्तों सीरीस। सीरीस जो है ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी में पाया जाने वाला बौना ग्रह। कौन सा ग्रह ये? बौना ग्रह, याद रखिएगा। आगे देखते हैं पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं दोस्तों? पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है, ये देखते ही पता चल गया ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं 44। इनमें से किस ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं है दोस्तों? बुध, ख शुक्र, ग में क ख दोनों, घ मंगल। तो दोस्तों मैं बता देता हूं कि जो बुध जो है हमारा और जो शुक्र है, इन दोनों के एक भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा, इसका सही हो जाएगा आंसर ग। मतलब क और ख दोनों जो हैं, यानी कि बुध और शुक्र हैं, उसके एक भी उपग्रह नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है दोस्तों? सौर मंडल का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो कौन है? अभी हम देखे थे कुछ देर पहले, पिछले सवालों में मैंने देखा था कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह वो था बृहस्पति। यहाँ पे हमको देखना है सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है किसका है, वो हमारा होगा गैनीमीड। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं 46। पृथ्वी का पहला मानव निर्मित कृत्रिम उपग्रह का नाम बताना है आपको। पृथ्वी का पहला मानव निर्मित कृत्रिम उपग्रह, स्पुतनिक, ख एडुसेट, ग RRS और घ इनमें से कोई नहीं दोस्तों। इसका सही जवाब होगा स्पुतनिक वन इसका सही जवाब होगा। अन्य स्पुतनिक वन जो है पृथ्वी का पहला मानव निर्मित कृत्रिम उपग्रह है। कौन छोड़ा था इसको? सोवियत रूस, सोवियत संघ जिसको हम रूस कहते हैं, उन्होंने छोड़ा था। कब छोड़ा था? 4 अक्टूबर 1957 को छोड़ा था। ये अगला सवाल हम देख रहे हैं दोस्तों, इसमें पूरा डिटेल मिल जाएगा। सोवियत रूस के द्वारा 4 अक्टूबर 1957 को कृत्रिम उपग्रह छोड़ा गया था, उसका क्या नाम था? अभी दोस्तों मैंने बताया ना, तो ऑप्शन देखते हैं एडुसेट, स्पुतनिक वन, IRS, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसको देखते ही आंसर पता चल गया, स्पुतनिक वन जो इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। भारत द्वारा चंद्रयान प्रथम, याद रखिएगा चंद्रयान प्रथम का प्रक्षेपण कब किया गया था? 2007, 2008, 2014, 2019 आपको बताना है दोस्तों सही जवाब। तो चंद्रयान प्रथम का प्रक्षेपण जो है वो 2008 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 2008 को। आगे बढ़ते हैं।
सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह, सबसे ठंडा ग्रह कौन होगा? मंगल, बुध, पृथ्वी, वरुण, वरुण को हम नेपच्यून भी कहते हैं। तो दोस्तों इसका ट्रिक के अनुसार हम देखते हैं इसका सही जवाब कोशिश करने का। तो मंगल, बुध, बुध तो सबसे दूरी के अनुसार सबसे पहला है तो ये नहीं होगा, मंगल ये भी नहीं होगा, और पृथ्वी तो होगा ही नहीं, तो सबसे लास्ट वाला ग्रह जो होगा वो होगा, क्योंकि ये सूर्य से सबसे दूर में है तो सबसे ठंडा होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 आज का अंतिम सवाल। तो आज का अंतिम सवाल है दोस्तों, हमारे सौर मंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत का क्या नाम है? सबसे अधिक ऊंचा पर्वत। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपको जानना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हमारे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत का नाम, क ओलंपस मॉन्स, ख अर्सिया मॉन्स, ग पेयूनिस मॉन्स, ग एस्क्रियस मॉन्स। तो दोस्तों इसका सही जवाब आप बताने का कोशिश करें, मैं आपको 3-4 सेकंड का समय देता हूं। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ओलंपस मॉन्स, ये जो है वो हमारे सौर मंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत है, ठीक है। तो दोस्तों कैसा रहा वीडियो आज का? इस वीडियो में मैंने पूरे 50 टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन को लाया आपके बीच रखा, बहुत ही सुंदर तरीके से समझाने का प्रयास किया। अगर हमारा प्रयास अच्छा रहा होगा आपके लिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी साथियों में शेयर कर दीजिएगा, और हाँ कमेंट कीजिएगा कि इन 50 में से आपके कितने सवालों के जो उत्तर हैं वो आपके सही हुए हैं, ठीक है। कमेंट अवश्य कीजिएगा, मैं आपका कमेंट का इंतज़ार करूँगा, ठीक है दोस्तों। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।